गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट, जिसके बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया। न्यूटन के अनुसार प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों के रूप में गति करता है और वो कण स्रोत से उत्सर्जित होकर प्रेक्षक तक पहुंचते हैं। लेकिन ये सिद्धांत जो है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की होने वाली घटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं कर सका। इसके पश्चात जो है हाइगेन ने अपना सिद्धांत दिया, जिसे हाइगेन का तरंग सिद्धांत बोलते हैं। हाइगेन का तरंग सिद्धांत, हाइगेन ने यह कहा कि प्रकाश जो है वो यांत्रिक तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश की जो गति है वो यांत्रिक तरंगों के रूप में होती है, और यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती हैं जिन्हें गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब जबकि प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गति करता है, तो इसको समझाने के लिए हाइगेन ने यह माना कि प्रकाश एक ईथर नाम का एक ऐसा माध्यम होता है जो सर्वव्यापी होता है, यानी निर्वात माध्यम हर जगह वो पाया जाता है, और ईथर माध्यम एक ऐसा माध्यम है जो अत्यधिक विरल और अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है, जिसमें प्रकाश आसानी से गति कर जाता है। इस ईथर माध्यम की कल्पना के आधार पर जो है हाइगेन ने अपना तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया, और ये तरंग सिद्धांत समझाने के लिए जो है हाइगेन ने एक तरंगाग्र को परिभाषित किया प्रकाश की गति के लिए, जिसकी आगे हम टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है वो यांत्रिक तरंगों के रूप में गति करता है, और इन्हें गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम जो है इसने माना कि ईथर एक माध्यम होता है जो सर्वव्यापी होता है, जिसमें प्रकाश तरंगे आसानी से गति कर जाती है। अब इसके बाद में तरंग सिद्धांत के द्वारा जो है परावर्तन अपवर्तन आदि को समझाने के लिए हाइगेन ने जो है तरंगाग्र नामक एक पृष्ठ को परिभाषित किया। तो देखिए अब पढ़ते हैं कि तरंगाग्र क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले देखो तरंगाग्र, वेव फ्रंट जिसको बोलेंगे, तरंगाग्र किसे कहते हैं। देखिए एक तरंग की गति को जो है वो कुछ इस तरह से समझाया जा सकता है कि प्रकाश तरंग जो है वो इस तरह से गति कर रही है, तो ये एक दोलन जो पूरा होता है, इस दोलन की, ये एक दोलन हुआ, इस दोलन की जो लंबाई है वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है, जिसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है, मात्रक इसका मीटर होता है। तरंग का एक दोलन पूरा होने में लगा जो समय होता है वो तरंग का दोलन काल कहलाता है, जिसको आवर्त काल भी बोलते हैं, कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं, सेकेंड इसका मात्रक होता है। और एक दोलन के दौरान जो है वो तरंग कोणीय रूप में अगर देखें तो टोटल 2π का कोण अंतरित करती है, कोई टोटल 2π का कोण बनाती है, जिसको आप यहां से आधा जो दोलन होता है वहां पाई कोण बनता है। तो इस तरह से एक तरंग की गति को समझ सकते हैं कि प्रकाश के तरंग की जो है वो इस तरह से आगे बढ़ती है। तो देखो तरंगाग्र अगर समझें कि तरंगाग्र किसे कहते हैं, तो हाइगेन के अनुसार जो है वो प्रकाश स्रोत के सामने की ओर, प्रकाश स्रोत के सामने की ओर ऐसा कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचा जाए, क्योंकि वास्तव में प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है और उसके सामने ऐसा कोई पृष्ठ बनाना संभव नहीं है, तो प्रकाश स्रोत के सामने ये केवल कैलकुलेशन को समझने के लिए एक काल्पनिक पृष्ठ की रचना की है, जिसे तरंगाग्र कहा गया, कि प्रकाश स्रोत के सामने एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ खींचा जाए जिस पृष्ठ पर स्थित प्रकाश के सभी कण स्रोत से समान दूरी पर हों, तो उसे क्या कहेंगे, तरंगाग्र कहेंगे। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लिया जैसे ये अपना प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत है और इससे प्रकाश तरंगे चारों तरफ उत्सर्जित हो रही हैं, और उत्सर्जित होने वाली सभी प्रकाश तरंगों का वेग एक समान होगा, तो इन्हें तरंगीय रूप में दर्शाएं। तो मान लो जैसे इस तरह से जो है प्रकाश तरंगे स्रोत से उत्सर्जित होकर आगे की ओर बढ़ रही हैं, इस तरह से इनकी गति को समझा सकते हैं। मान लीजिए कोई स्रोत है और इससे प्रकाश जो है वो उत्सर्जित होकर आगे की ओर तरंगे उत्सर्जित हो रही थी, असंख्य तरंगे चारों तरफ फैलती हैं। अब देखिए इस तरंग का यहां एक दोलन पूरा हुआ, इसी तरह से इस तरंग का यहां दोलन पूरा होता है, इस तरंग का, सभी तरंगों का जो है समान एक दोलन कहां पर पूरा होता है, उन पॉइंटों को नोट कर ले। तो ये पॉइंट वो है जहां एक एक दोलन सभी तरंगों का पूरा हो जाता है, यानी यहां इन ये जो बिंदु है
वो समान कला में है। यहां जो प्रकाश तरंग के द्वारा कोण अंतरित किया जा रहा है वो समान है। तो अगर इन बिंदुओं को मिलाएं तो जो पृष्ठ बनेगा, देखो इन बिंदुओं को मिलाने से जो पृष्ठ बन रहा है उस पृष्ठ को ही तरंगाग्र कहा जाता है। तो प्रकाश स्रोत के सामने की ओर, देखो तरंगाग्र को कैसे परिभाषित करेंगे, बिल्कुल आसानी से इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं। प्रकाश स्रोत के सामने की ओर खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, प्रकाश स्रोत के सामने की ओर खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित प्रकाश के सभी कण समान कला में हो, क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। या फिर आप इसके एक दूसरी परिभाषा यह भी दे सकते हैं कि देखिए यहां अगर बात करें तो सभी तरंगे एक दोलन पूरा कर रही हैं, यानी कि इसकी जो है यहां से यहां तक की लंबाई इसके तरंग दैर्ध्य के बराबर लैम्डा होगी, इसकी भी लैम्डा होगी, सभी तरंगे लैम्डा दूरी पर होंगी। तो आप इसकी तरंगाग्र की दूसरी परिभाषा यह भी दे सकते हैं कि प्रकाश स्रोत के सामने की ओर खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसकी स्रोत से दूरी समान रहे, यानी प्रकाश स्रोत के सामने की ओर एक ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पर स्थित प्रकाश के सभी कण स्रोत से समान दूरी पर हों, या फिर स्रोत के सापेक्ष समान कला में हों। तो देखो इसकी दो परिभाषाएं आप तरंगाग्र की दे सकते हैं। पहली परिभाषा आप ये दोगे कि प्रकाश स्रोत के सामने की ओर खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित प्रकाश के सभी कण समान कला में हो, जैसे ये वाले कण जो है वो 2π कला पर है, सभी की कला कितनी है यहां पर 2π है, तो 2π कला में है। तो प्रकाश स्रोत के सामने की ओर खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित प्रकाश के सभी कण समान कला में हो, अथवा दूसरी परिभाषा क्या दे सकते हैं आप कि प्रकाश स्रोत के सामने की ओर खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित प्रकाश के सभी कण स्रोत से समान दूरी पर हो, ये दूरी सभी की क्या हो? समान हो, तो उसे क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहेंगे। तो आप इस प्रकार से तरंगाग्र को जो है दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, कला के रूप में या फिर दूरी के रूप में। अब देखिए तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है, तरंगाग्र के प्रकार कितने होते हैं। तो मूल रूप से वैसे प्रकाश जो तरंगाग्र है वो स्रोत पर निर्भर करता है कि आपके स्रोत का आकार कैसा है। जैसा आकार आपके स्रोत का होगा तरंगाग्र भी बिल्कुल वैसा ही आकार लेगा। तो तरंगाग्र का पहला प्रकार है गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र। देखिए यदि आपका प्रकाश स्रोत गोलीय है या फिर बिंदु प्रकाश स्रोत है, जैसे इस तरह का स्रोत है बिंदु प्रकाश स्रोत या फिर गोलीय प्रकाश स्रोत, तो इसके सामने की ओर अगर आप कोई भी तरंगाग्र खींचेंगे तो वो कैसा होगा? गोलाकार ही होगा। जैसे मान लिया कि ये कोई गोलीय पृष्ठ की कल्पना करें, इस पर ये मान लिया आपका प्रकाश स्रोत है, तो इस प्रकाश स्रोत से जो भी तरंगे उत्सर्जित होंगी वे सभी तरंगे जो है वो इस पृष्ठ पर समान कला में होंगी। आसानी से आप इस तरह से जो है गोलीय तरंगाग्र को परिभाषित कर सकते हैं। तो ये जो पृष्ठ हुआ आपका, ये वाला जो गोलाकार पृष्ठ दिखाई दे रहा है, ये गोलाकार जो है वो गोलीय तरंगाग्र कहलाएगा, गोलीय तरंगाग्र। और ये जो स्रोत है आपका वो कैसा स्रोत है? बिंदु स्रोत या फिर गोलीय स्रोत, गोलीय प्रकाश स्रोत। तो गोलीय तरंगाग्र को कैसे परिभाषित करोगे आप? प्रकाश, यदि आपका प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत या गोलीय प्रकाश स्रोत है तो उसके सामने की ओर खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित प्रकाश के सभी कण समान कला में हैं या फिर स्रोत से समान दूरी पर हैं, तो उस पृष्ठ का आकार गोलाकार होगा, वो तरंगाग्र क्या कहलाएगा? गोलीय तरंगाग्र कहलाएगा। यानी कि बिंदु स्रोत या गोलीय प्रकाश स्रोत से बनने वाले तरंगाग्र जो है वो गोलीय तरंगाग्र कहलाते हैं। आप ये तरंगाग्र देख लें, चाहे जैसे यहां पर सभी कण पाई कला में है, इन बिंदुओं की बात करें तो यहां पर कण कितनी कला में है? पाई कला में है सभी। तो इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो भी एक गोलाकार पृष्ठ ही अपने को प्राप्त होगा जिसे भी आप गोलीय तरंगाग्र कहेंगे। तो इसे किसी भी कला, समान कला वाले बिंदुओं को मिलाएंगे तो गोलीय पृष्ठ ही बनेगा यदि आपका स्रोत बिंदु स्रोत या फिर गोलीय स्रोत है। दूसरा जो तरंगाग्र का प्रकार है
वो है बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। देखो बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है, यदि आपका प्रकाश स्रोत बेलनाकार प्रकाश स्रोत है, जैसे अपने ट्यूबलाइट होती है कुछ इस तरह से, अगर स्रोत आपका बेलनाकार प्रकाश स्रोत है तो उसके सामने की ओर अगर पृष्ठ खींचेंगे तो वो पृष्ठ भी कैसा होगा, बेलनाकार ही होगा, जिस पर स्थित प्रकाश के सभी कण समान कला में हों। तो इस तरह का कोई पृष्ठ खींचें, तो देखो इस पृष्ठ पर स्थित प्रकाश के सभी कण यदि समान कला में हैं तो इसका आकार भी जो है वो कैसा होगा, बेलनाकार ही होगा। जैसे कोई भी तरंग उत्सर्जित होकर जा रही है, मान लो 2π पर है, तो सभी तरंगें जो हैं वो 2π पर ही होंगी। तो ये जो जितने भी पृष्ठ के ऊपर प्रकाश तरंग के कण हैं वो सभी कण समान कला में हैं, यानी कि 2π कला में हैं। तो ये वाला जो डैश डैश से पृष्ठ बन रहा है वो होगा बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र यदि आपका स्रोत कैसा है, बेलनाकार प्रकाश स्रोत है, यदि आपका स्रोत बेलनाकार प्रकाश स्रोत है तो उसके सामने खींचे गए सभी पृष्ठ बेलनाकार ही होंगे और वो पृष्ठ क्या कहलाएंगे, बेलनाकार तरंगाग्र कहलाएंगे, यदि उन पृष्ठों पर स्थित प्रकाश के सभी कण समान कला में हैं या फिर वो स्रोत से समान दूरी पर हैं। तो समान कला वाले बिंदुओं को मिलाने पर जो पृष्ठ बनेगा, यदि आपका स्रोत बेलनाकार है तो वो बेलनाकार पृष्ठ बनेगा और उस बेलनाकार पृष्ठ को ही क्या कहेंगे, बेलनाकार तरंगाग्र कहेंगे। तो मूल रूप से तरंगाग्र दो ही प्रकार का होता है, लेकिन एक और पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं समतल तरंगाग्र। तीसरा एक प्रकार और पढ़ते हैं तरंगाग्र का, वो है समतल तरंगाग्र। जो बेलनाकार या फिर आपके गोलीय तरंगाग्र का ही एक भाग होता है, जैसे मान लो ये आपका प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत है और इससे प्रकाश जो है वो तरंगाग्र बनाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। अब इससे बहुत अधिक दूरी पर आप अगर कोई गोलीय तरंगाग्र खींचे तो इस गोलीय तरंगाग्र का एक छोटा भाग, जैसे केवल इतने से भाग की कल्पना करें, एक छोटे भाग को देखें, बाकी सारे गोले को हटा दें, तो ये बिल्कुल समतल पृष्ठ के समान है, बिल्कुल सीधी एक रेखा लगती है। तो यदि स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर तरंगाग्र खींचे जाएं तो उन तरंगाग्रों का एक छोटा भाग जो है वो समतल तरंगाग्र के समान होता है, जिसे आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ऐसा कोई पृष्ठ जो बिल्कुल एक समतल के समान हो, तो ये जो पृष्ठ है वो कहलाएगा समतल तरंगाग्र। तो समतल तरंगाग्र वास्तव में जो है गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र का ही एक भाग होता है, जो स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर अगर छोटा इनका टुकड़ा लिया जाए, गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र का, तो वो समतल तरंगाग्र की तरह व्यवहार करता है। तो ऐसा ये जो पृष्ठ है वो कहलाएगा समतल तरंगाग्र। तो आप ध्यान रखना, समतल तरंगाग्र जो है वो गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र का ही एक छोटा भाग होता है। देखिए प्रकाश की जो गति है वो हमेशा तरंगाग्र के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर लेनी है, बाहर की ओर होती है। जैसे यहां से प्रकाश तरंग यूं जा रही है तो प्रकाश तरंग की गति हमेशा तरंगाग्र के पृष्ठ के लंबवत होती है और बाहर की ओर होती है। तो तरंगाग्र के पृष्ठ पर प्रकाश तरंग की गति की दिशा तरंगाग्र के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, यह ध्यान रखना आप। और तरंगाग्र पर प्रकाश के जितने भी कण स्थित हैं, जितने भी बिंदु स्थित हैं, वे सभी बिंदु समान कला में होते हैं और स्रोत से समान दूरी पर होते हैं। तो ये जो था वो था तरंगाग्र और उसके प्रकार। हाइगेन ने जो है तरंगाग्र को परिभाषित इसलिए किया क्योंकि आप तरंगाग्र के आधार पर, तरंगाग्र की अवधारणा के आधार पर जो है आसानी से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को समझा सकते हैं। तो हाइगेन ने तरंगाग्र को परिभाषित किया और तरंगाग्र के आधार पर जो है प्रकाश की होने वाली घटना परावर्तन और अपवर्तन को सफलतापूर्वक समझाया। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो है समतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन। देखो प्रकाश का होने वाले परावर्तन की जो घटना है उसको हाइगेन ने सफलतापूर्वक समझाया। किस तरह से समझाया, देखो मान लिया ये कोई परावर्तक पृष्ठ है,
मान लिया ये पृष्ठ जो है वो क्या है, कोई परावर्तक पृष्ठ है, ए बी पृष्ठ है जो परावर्तक पृष्ठ है, इसके पीछे की तरफ जो है वो परावर्तक पॉलिश की हुई है। कोई समांतर प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आती हुई इस परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होती हैं। मान लिया ये दो प्रकाश तरंगे आ रही हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं और समांतर आते हुए यहाँ पर ये परावर्तित होती हैं। यदि आपका स्रोत बहुत अधिक दूरी पर है तो उससे आने वाली प्रकाश तरंगे एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो मान लिया जैसे तरंग, ये तरंग एक है और ये तरंग दो है, ये दो तरंगे एक दूसरे के समांतर आते हुए इस परावर्तक पृष्ठ से आकर परावर्तित होती हैं। मान लिया ये जो तरंग एक है वो बिंदु P पर आकर परावर्तित होती है और ये बिंदु Q पर आकर परावर्तित होती है। परावर्तन बिंदु जो हैं वो परावर्तक पृष्ठ पर क्या है, P और Q है। जब भी परावर्तन पढ़ते हैं परावर्तक बिंदु के ऊपर जो है एक लंबवत पृष्ठ के लंबवत लाइन खींचे जिसे क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। तो यहां पर ये मान लिया अभिलंब है और यहां पर ये अभिलंब है, तो ये बिंदु आपका Q, ये अभिलंब है और ये आपतित प्रकाश किरण है। किरण ने कह कह के इनको आप तरंग बोल दें क्योंकि प्रकाश की तरंगीय प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये आपतित प्रकाश तरंगे हैं। देखो आपतित प्रकाश तरंग अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को कहते हैं आपतन कोण, जिसे आई से डिनोट करेंगे। प्रकाश तरंग एक बिंदु पी पर परावर्तित होकर मान लिया इस तरह से लौटती है और तरंग दो जो है वो बिंदु क्यू पर परावर्तित होकर इस तरह से लौटती है, तो ये परावर्तित होकर जा रही है। तो परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। तो ये मान लें परावर्तन कोण आर है। अब देखो इसको कैसे हाइगेन ने समझाया। देखो दो प्रकाश तरंगें एक दूसरे के समांतर आ रही हैं, तो अगर यहां तरंगाग्र की कल्पना करें कि तरंगाग्र जो है जैसे तरंग दो का कोई कण बिंदु क्यू पर है तो उसके समान कला वाला तरंग एक का कण कहां होगा, उसका पता करने के लिए क्या करते हैं कि बिंदु क्यू से तरंग एक पर आप लंब डालते हैं। मान लिया ये लंब इस बिंदु पर आकर मिलता है और ये लंब मान लिया क्या है, क्यू डैश है। देखो बिंदु क्यू से तरंग एक पर लंब डाला जो क्यू डैश पर मिलता है, तो ये लंब जो है वो एक प्रकार से देखो स्रोत से समान दूरी पर होंगे। अभी अगर लंब डाला है तो क्यू और क्यू डैश दोनों स्रोत से समान दूरी पर है, और अगर समान दूरी पर हैं दोनों बिंदु तो ये क्यू क्यू डैश एक प्रकार से आपका क्या होगा, तरंगाग्र होगा। और कौन सा तरंगाग्र होगा, समतल तरंगाग्र। तो जितनी भी प्रकाश तरंगे आएंगे उन सभी प्रकाश तरंगों के इस पृष्ठ पर जो भी कण होंगे वो सब समान कला वाले कण होंगे, तो ये क्यू क्यू डैश जो है वो आपका समतल तरंगाग्र है। तो क्यू क्यू डैश समतल और पहला है इसलिए इसको प्राथमिक बोल देते हैं, तो समतल प्राथमिक तरंगाग्र। ये समतल प्राथमिक तरंगाग्र है क्यू क्यू डैश। अब देखो ये दोनों कण समान कला वाले हैं, पहले तरंग दो का कण समान कला वाला जो कण है वो क्यू बिंदु पर परावर्तित होता है, लेकिन तरंग एक वाला कण जो है वो क्यू डैश पर ही रह जाता है। मान लिया कि जो भी माध्यम है, वायु है, जो भी माध्यम है जिसमें प्रकाश तरंगे गति करती हुई आ रही है, उस माध्यम में प्रकाश का वेग कितना है, c है। तो प्रकाश तरंग का जो वेग है वो मान लिया कितना है, c है। तो ये जो q डैश पर कण है जो q के q वाले कण के समान कला में है, ये q डैश पर जो कण है वो बिंदु p पर आकर परावर्तित होने में मान लो कितना समय लेता है, मान लिया वो समय जो है वो t सेकंड का समय लेता है। t सेकंड के समय के पश्चात ये q डैश वाला कण जो है बिंदु p पर आकर परावर्तित होता है। तो जब तक ये वाला कण q डैश से p बिंदु पर आकर परावर्तित होगा उतने समय में ये वाला जो कण है वो परावर्तित होकर आगे निकल जाएगा। अब उसकी द्वितीय की स्थिति कहां होगी,
जब क्यू डैश वाला जो कण है वो पी पर आकर परावर्तित होगा, उस समय ये वाला कण कहां होगा उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए फिर से पी से इसके ऊपर लंब डालते हैं। किस पर? तरंग एक पर, परावर्तन के पश्चात। तो ये लंब जो है वो मान लो कहां पर मिलता है, पी डैश पर मिलता है। तो जितने समय टी में क्यू डैश वाला कण पी पर आकर परावर्तित होता है उतने समय में क्यू वाला कण जो है वो कहां पहुंच जाता है, पी डैश पर पहुंच जाता है। इसका मतलब ये समान कला वाले बिंदु हैं और समान कला वाले बिंदु हैं तो आपका पी पी डैश भी क्या है, एक समतल तरंगाग्र है। तो पी पी डैश ये भी क्या होगा, एक समतल, लेकिन इसको द्वितीय तरंगाग्र बोलेंगे क्योंकि ये दूसरी बार बना रहे हैं तो द्वितीय तरंगाग्र। पहले जो तरंगाग्र बना उसके बाद जो है उसके सापेक्ष ये द्वितीय तरंगाग्र होगा। तो इस तरंगाग्र के सापेक्ष ये द्वितीय तरंगाग्र और इस तरंगाग्र के सापेक्ष ये प्राथमिक तरंगाग्र है। तो इस तरह से तरंगाग्र बनाते हैं क्यू क्यू डैश और पी पी डैश। अब देखो यहां पर ये लंबवत लाइन खींची है, अपन ने लंबवत लाइन खींची है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों 90 डिग्री के हैं। इसको मान लें जैसे कोई भी आप एस मान लो तो कोण आई प्लस कोण एस दोनों का जो है मान कितना होगा, समकोण 90 डिग्री के बराबर होगा। अब ये इस पृष्ठ के लंबवत है तो ये एस और ये वाला कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो एस और ये कोण जो है वो मान लिया कितना है, आर मान लें अगर इसको, तो एस और आर का योग भी कितना होगा, कोण एस प्लस कोण आर बराबर भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि अभिलंब है तो टोटल कोण 90 डिग्री का होगा। तो दोनों को अगर बराबर रख दें तो आप बराबर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एस प्लस आई बराबर कोण एस प्लस कोण आर। तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर होगा। तो आपतन कोण अगर ये आई है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, आपतन कोण के समान ही होगा, कहने का ये मतलब ये है। तो ये कोण कितना होगा यहां पर आपके, आई होगा। कौन सा कोण, Q डैश क्यू पी, ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर होगा, आपतन कोण I के बराबर होगा। ठीक इसी तरह इधर की तरफ देखें तो ये परावर्तन कोण R है, ये वाला और ये वाला दोनों मिलकर के 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और ये मिलकर के 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार से ये कोण कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। कोण पी डैश पी क्यू आर होगा, और इधर कोण क्यू डैश क्यू पी आई होगा। अब देखो कि मान लिया कि कण को क्यू डैश से पी पर आकर परावर्तित होने में कितना समय लगता है, टी समय लगता है। तो सी वेग से टी समय में यह क्यू डैश से पी तक की जो दूरी है, क्यू डैश से पी तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, वेग गुणा समय, यानी सी टी के बराबर होगी। और परावर्तित होकर प्रकाश उसी माध्यम में जा रहा है तो ये जो क्यू पर जो कण था वो उसी वेग से टी समय में कहां पहुंच जाएगा, पी डैश पर। तो आपका क्यू पी डैश जो दूरी है वो भी कितनी होगी, सी टी होगी। क्यों होगी, क्योंकि समान माध्यम में प्रकाश तरंग का वेग समान होता है। तो इससे आप क्या कह सकते हैं, इससे कह सकते हैं कि क्यू डैश पी जो है वो बराबर है क्यू पी डैश के। इसको मान लें समीकरण नंबर एक। अब देखो अपने पास यहां दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज है आपका पी क्यू क्यू डैश व दूसरा त्रिभुज है पी क्यू पी डैश, दूसरा त्रिभुज जो है वो पी क्यू पी डैश। इन दोनों त्रिभुजों में एक त्रिभुज है पी क्यू क्यू डैश और एक है पी क्यू पी डैश। इन दोनों त्रिभुजों में पी क्यू उभयनिष्ठ है, दोनों में है, तो PQ जो है भुजा PQ बराबर होगी PQ, ये उभयनिष्ठ है। और एक भुजा है Q-P जो इस वाले त्रिभुज में होगी, तो Q-P वो बराबर है QP- के, समीकरण एक से जो सिद्ध कर चुके। और देखो यहां पर ये कोण 90 डिग्री का है, इसमें त्रिभुज में क्यू डैश 90 डिग्री का है, इस त्रिभुज में पी डैश 90 डिग्री का है।
तो कोण Q डैश बराबर कोण P डैश, क्या है ये समकोण है। और समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हों तो तीसरी अपने आप ही क्या होती है, बराबर होती है, यानी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो इन तीनों शर्तों के आधार पर आप कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू क्यू डैश सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू पी डैश के। और अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो इस त्रिभुज में कोण आई है, उसके संगत इस त्रिभुज में कोण क्या है, आर। तो अतः आप लिख सकते हैं कि कोण Q डैश Q P जो कितना है कोण I, वो बराबर होगा किसके, इसको I से डिनोट कर दें, वो बराबर होगा कोण P डैश P Q जो क्या है, कोण R है। यानी आप कह सकते हैं कि कोण I जो है वो बराबर होगा किसके, कोण R के। यानी आपका जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, जो आप जानते हैं परावर्तन की पहली शर्त है। तो इस प्रकार से तरंगाग्र की सहायता से आप परावर्तन की पहली शर्त को जो है वो सिद्ध कर सकते हैं। और दूसरी शर्त अपने आप सिद्ध हो रही है कि आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों आपके एक ही तल में है। ये परावर्तित परावर्तित तरंग है, यह आपतित प्रकाश तरंग है और यह विलंब है, तो तीनों एक ही तल में है। यह परावर्तन की दूसरी शर्त है। तो पहली शर्त तो यह है आपतन कोण बराबर होना चाहिए परावर्तन कोण के, जो इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं। दूसरी है कि आपतित परावर्तित तरंग व अभिलंब एक ही तल में हो, जो है यहां पर बोर्ड के तल में है, तो यह प्रकार परावर्तन की दोनों शर्तों को जो है संतुष्ट करता है। इसलिए आप मान सकते हैं कि हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत है उसके द्वारा आप परावर्तन की सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकते हैं। अब इसके पश्चात समतल पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन, यानी हाइगेन के तरंग सिद्धांत से आप परावर्तन की ही नहीं अपवर्तन की भी सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकते हैं। वो किस तरह से करते हैं, देखो अब देखते हैं कि तरंगाग्र की सहायता से जो है प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या आप किस तरह से कर सकते हैं। मान लिया कि कोई दो माध्यम है जिनमें एक माध्यम से प्रकाश तरंग गति करते हुए दूसरे माध्यम में आकर अपवर्तित होती है, और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला ये पृष्ठ है। तो ये कोई भी पृष्ठ है, ऊपर मान लिया माध्यम एक है और नीचे मान लिया माध्यम दो है। मान लिया माध्यम एक में जो है प्रकाश तरंग का वेग c1 है और माध्यम दो में प्रकाश तरंग का वेग क्या है, c2 है। ये पृथक करने वाला प्रश्न है। दो प्रकाश तरंगें ठीक उसी तरह से ले लेते हैं, एक दूसरे के समांतर गति करती हुई आती हैं। ये माध्यम दो जिसमें प्रकाश तरंग का वेग c2 ले रहे हैं, ये दो एक दूसरे के समांतर गति करती हुई प्रकाश तरंगें आती हैं। मान लिया ये प्रकाश तरंग एक है और ये प्रकाश तरंग दो है, दोनों का आप यहां पर अभिलंब खींचे तो अभिलंब के साथ आपतित प्रकाश तरंगें जो कोण बनाएंगी वो क्या होगा, आपतन कोण होगा। तो आपतित प्रकाश तरंगें तो मान लिया तरंग एक व दो एक दूसरे के समांतर गति करती हुई आती हैं, और इस PQ पृष्ठ, मान लिया ये पृष्ठ जो है वो अपवर्तक पृष्ठ PQ है, तो इस PQ अपवर्तक पृष्ठ से आकर अपवर्तित होती हैं। तरंग एक बिंदु A पर अपवर्तित होती है और मान लिया तरंग दो जो है वो बिंदु B पर अपवर्तित होती है। ये बिंदु A पर आकर अपवर्तित होती है और ये बिंदु B पर आकर अपवर्तित होती है। तो ये अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है वो होगा आपका आपतन कोण I। अब देखो दोनों प्रकाश तरंगें एक दूसरे के समांतर आ रही हैं,
तो दोनों के समान कला वाले जो कण हैं वो किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं? तो देखो, तरंग दो के कोई कण बी बिंदु पर आकर अपवर्तित हो रहा है, उस समय उसके समान कला वाला कण तरंग एक का कहां पर होगा, उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं आप, वही बिंदु बी से जो है वो तरंग एक पर लंब डालते हैं। मान लिया ये आपने लंब डाला, जो कहां मिलता है तरंग एक को, बी डैश पर मिलता है। तो ये जो बी बी डैश लंब डाला है ये क्या करेगा कि तरंग दो का जो कण है बी पर उसके समान कला वाला कण प्राप्त कर लेगा, जिसकी स्थिति कहां होगी, बी डैश पर होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि बी बी डैश क्या है, एक समतल प्राथमिक तरंगाग्र है, समतल प्राथमिक तरंगाग्र है। इस तरंगाग्र पर जितने भी प्रकाश के कण होंगे वो सब समान कला में होंगे। अब देखो, तरंग दो का ये कण जो है वो अपवर्तित होकर आगे की ओर माध्यम दो में लौट जाता है, ये अपवर्तित प्रकाश तरंग होगी। इसी तरह से तरंग दो भी जो है वो अपवर्तित होकर लौटती है, तो ये अभिलंब के अंदर झुक रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि माध्यम दो जो है वो सघन है और माध्यम एक जो है वो विरल है। माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो क्या है, सघन माध्यम है, डेंसर है इसकी तुलना में ये। तो यहां अपवर्तित प्रकाश किरण जो कोण बना रही है वो क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा आर। तो देखो, कण तरंग दो का जो कण बिंदु बी पर है उसके समान कला वाला कण कहां है, बी डैश पर है। अब जितने समय में ये वाला कण बी डैश पर जो है तरंग एक का कण वो ए पर आकर अपवर्तित होगा, उतने समय में ये समान कला वाला कण जो बी पर है वो अपवर्तित होकर आगे जा चुका होगा। तो वो कहां होगा, उसकी स्थिति ज्ञात करें कब, जब बी डैश वाला कण कहां आ जाएगा, ए पर आ जाएगा। तो जब बी डैश वाला कण ए पर पहुंच जाएगा उस समय बी वाला कण जो है वो कहां होगा, उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए आप फिर ए से जो है वो इस तरंग पर लंब डालते हैं, और ये लंब मान लो जो है वो कहां मिलता है, इस तरंग को ए डैश पर मिलता है। तो ए डैश पर इसके समान कला वाला बिंदु अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो ए पर जो कण है उसके समान कला वाला ही कण कहां है, ए डैश पर है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ए ए डैश है वो भी क्या है, एक समतल द्वितीयक तरंगाग्र है, समतल द्वितीयक तरंगाग्र है। तो द्वितीयक क्योंकि इसके बस्सात बन रहा है तो इसको द्वितीयक तरंगाग्र कह रहे हैं। अब देखो, यहां पर ये और ये कोण मिलकर के 90 डिग्री और ये मिलकर के 90 डिग्री है, इसलिए ये वाला कोण कितना होगा, आई होगा। ठीक इसी तरह से इस त्रिभुज में ये आर और ये मिलकर 90 डिग्री, क्योंकि अभिलंब खींचा है आपने, तो ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री और ये अभिलंब है तो ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री, तो आपका ये वाला कोण कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो देखो, मान लिया कि कण बी डैश से ए तक, तरंग एक का जो कण है वो बी डैश से ए तक आने में कितना समय लेता है, t समय लेता है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बी डैश से ए तक की, बी डैश ए, ये दूरी कितनी होगी, प्रकाश का वेग कितना है इस माध्यम में, सी वन, और समय कितना ले रहा है, t, तो वेग गुणा समय, तो सी वन इंटू टी, ये तय की गई दूरी आ गई बी डैश ए। अब इतने ही समय t में ये बी तरंग दो का जो कण बी पर था वो कहां चला जाता है, ए डैश पर चला जाता है। तो ये जो दूरी है बी ए डैश वो कितनी होगी, क्योंकि माध्यम दो में आ गई, प्रकाश तरंग अपवर्तित हो चुकी है, माध्यम दो में गति कर रही है, तो माध्यम दो का वेग कितना है, c2, समय कितना ले रहा है, t, तो b a डैश क्या आ जाएगी, c2 t आ जाएगी। इस तरह से जो है आप b डैश a और b a डैश दूरियां ज्ञात कर लेंगे। अब देखो, त्रिभुज a b b डैश में, a b बी डैश में साइन आई बराबर क्या होगा, देखो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, समकोण त्रिभुज है क्योंकि अपन ने लंब डाले हैं, दोनों लंब हैं, तो थीटा के सामने की भुजा लंब है, समकोण के सामने की कर्ण होगी, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब ये है और कर्ण ये है, तो लंब ए बी डैश बटे कर्ण ए बी, थीटा के सामने की भुजा लंब और समकोण के सामने की कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। इसी तरह से त्रिभुज, दूसरे वाला त्रिभुज लें, ये वाला कौन सा, ए बी ए डैश,
इसी तरह त्रिभुज ए बी ए डैश में, इस त्रिभुज में क्या होगा, वही थीटा के सामने की भुजा लंब, तो लंब क्या होगी ए डैश बी, तो इसमें साइन कोण कितना है आपका आर है, तो साइन आर बराबर लंब ए डैश बी बटे आधार ये कर्ण ए बी, तो आधार बटे कर्ण ये सॉरी लंब बटे कर्ण ले लेंगे, थीटा के सामने की भुजा लंब होगी तो लंब ए डैश बी बटे कर्ण ए बी, साइन आर का मान निकालेंगे। ये मान लिया समीकरण नंबर एक और ये मान लिया समीकरण नंबर दो, तो समीकरण एक व दो की तुलना करें, समीकरण एक व दो से इनका अनुपात ले लेते हैं, तो समीकरण एक व दो का अनुपात लेने पर अनुपात लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर हो जाएगा आपके ए बी डैश बटे ए बी बटे ए डैश बी बटे ए बी। देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा और साइन आई बटे साइन आर बराबर आ जाएगा आपका ए बी डैश बटे ए डैश बी, और ए बी डैश और ए डैश बी का मान जो है वो पहले निकाल चुके, क्या है वेगों के रूप में सी वन टी बटे सी टू टी, और टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर आ जाएगा सी वन बटे सी टू। और बेटा आपने जो है रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी में जो है अपवर्तनांक पढ़ा है, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक, जो क्या होता है माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, माध्यम एक का वेग बटे माध्यम दो का वेग। तो सापेक्ष अपवर्तनांक अगर देखें इस माध्यम का, तो सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू वन टू बराबर क्या होगा, माध्यम एक में प्रकाश तरंग का वेग बटे माध्यम दो में प्रकाश तरंग का वेग। तो C1 बटे C2 को क्या लिख सकते हैं, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का सापेक्ष अपवर्तनांक, तो म्यू वन टू से इसको आप परिभाषित कर सकते हैं। तो म्यू वन टू बराबर क्या आया, म्यू वन टू बराबर आया साइन आई बटे साइन आर, जो आप पहचान गए होंगे ये क्या है, स्नेल के अपवर्तन का नियम, जिसके अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यह प्रकाश तरंगों का अपवर्तन था, और अपवर्तन का पहला नियम ही क्या होता है, स्नेल के अनुसार माध्यम एक से प्रकाश तरंग यदि माध्यम दो में अपवर्तित हो रही है तो माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का सापेक्ष अपवर्तनांक आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्याओं के अनुपात के बराबर होता है, जो यहां अपन ने सिद्ध कर दिया है। तो यह अपवर्तन का पहला नियम था जो सिद्ध हुआ। दूसरा नियम क्या है, जो परावर्तन का था, कि आपतित प्रकाश किरण अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होनी चाहिए, तो यहां पर अपन ने जो डायग्राम बनाया है वो एक ही तल में है, बोर्ड के तल में है, तो ये दूसरी शर्त भी पूरी होती है। तो आप इस प्रकार से जो है हाइगेन के तरंग सिद्धांत से या तरंगाग्र को काम में लेते हुए प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन की सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकते हैं। अब आगे जो है वो पढ़ेंगे प्रकाश का व्यतिकरण, जो अगले लेसन में होगा, अगले क्लास में होगा। धन्यवाद।